हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोगों को मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सूचना देने वाला हूं, जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। आप लोग अभी, आप लोगों को पता होगा और नहीं पता होगा तो मैं थोड़ा बता रहा हूं आपको कि अभी दो वैकेंसियां जो हैं वो आ चुकी है। आप लोग फॉर्म फिल कर लीजिए, जितना जल्दी करिएगा बढ़िया रहेगा, क्योंकि बिहार का साइट है वो आपको जो है वो दिक्कतें होने लगती है लास्ट टाइम में, इसलिए मैं आप लोगों को सजेशन दे रहा हूँ। एक बीएससी इंटर लेवल का एग्ज़ाम के लिए जो है वो फॉर्म आया है, और दूसरा जो है बीपीएससी के बीपीएससी टीआरई 2 जो है वो आने वाली है, और साथ ही साथ एक जो आ चुका है वो आपको 5 अक्टूबर से जो है इसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा, वो है आपका बिहार दरोगा के लिए। साथ ही साथ और भी बहुत सारे वैकेंसी आने वाली है, इस चैनल पर मैं आपको अपडेट करते रहूँगा, जिसके अंतर्गत एसएससी, जीडी, रेलवे और इत्यादि बहुत सारे वैकेंसी आने वाले हैं। बिहार पुलिस की अभी एग्ज़ाम चल रहा है, और आने वाले समय में मतलब एक साल, अगले साल जो है वो नेक्स्ट आपको 24,000 प्लस, जैसे सरकार ने बताया है कि 24,000 वैकेंसी प्लस, और साथ ही साथ 2,000 वैकेंसी दरोगा में 2024 में आने वाला है। तो इन सारे, और साथ ही साथ रेलवे में आएगा केंद्र सरकार भी, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जब जब इलेक्शन का समय आता है उस समय सरकार की नींदें खुल जाती है और ढेर सारी वैकेंसियां जो है वो देना स्टार्ट करती है, वो कंप्लीट जब भी करवाएं। लेकिन आपको उन सब चीज़ों पर ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं, आपका काम जो है वो उसको आपको कर्तव्य करना चाहिए। गांधी जी जयंती है आज, और उनका एक गीता से उनको एक प्रभाव पड़ा था, उसके अंतर्गत उन्होंने कहा था कि लोगों को कर्म करते रहना चाहिए बिना फल की इच्छा किए बिना। तो आप कर्म करिए, फल की टेंशन मत करिए। जैसे आपने बीपीएससी के जो चेयरमैन थे टायर 1 के अंतर्गत, उन्होंने जो बीएड वालों को हटा दिया गया, तो उसके अंतर्गत भी उन्होंने यही जो गीता का उपदेश दिया था हम लोगों को बीएड वाले छात्रों के लिए कि कर्म करनी चाहिए, उनकी ये राइट्स है कि आप एग्ज़ाम दीजिए और फल की चिंता मत करिए। अब देखिए बीएड वालों के लिए क्या होता है वो तो बाद की बातें हैं। हम आज जो इम्पॉर्टेंट बातें करने वाले हैं वो चीज़ें हम बताऊंगा, और शुरू से लास्ट तक आप वीडियो को जरूर देखिए, आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। मैं बातें करने वाला हूँ कि इस चैनल के बारे में, मेरा जो एक चैनल है और जिस चैनल का आप लोग देख रहे होंगे, विवेकानंद कोचिंग नाम का एक चैनल है, जो आपको इस चैनल पर मैं अपडेट और थोड़ा सीरियल वाइज इन्फॉर्मेशन तो देता ही रहूँगा, साथ ही साथ मैं सिलेबस से रिलेटेड बातें करूँगा कि जो भी इस तरह के जितनी भी वैकेंसियां हैं उससे रिलेटेड जो भी सिलेबस हैं उन सभी सारे सिलेबसों को मैं कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगा इस चैनल पर। तो इसलिए आप लोग विवेकानंद कोचिंग चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सहपाठियों तक पहुँचाएँ, और उन्हें भी कहें कि इनको सब्सक्राइब कर लें। अगर आप किसी भी इस तरह के एग्ज़ाम की आप तैयारी करना चाहते हैं तो उसके जीके, जीएस, मैथ्स और रीजनिंग से रिलेटेड इस पर वीडियो अपलोड होते रहेंगे। जो ऑब्जेक्ट पहले मैं थ्योरी करवाऊंगा, मतलब एक सब्जेक्टिव टाइप करवाऊंगा, उसके बाद मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का एनालिसिस भी इस पर देता रहूंगा, कंटिन्यू करवाऊंगा। इसलिए मेरा एडवाइस है, मेरा सलाह मानिए आपका, मैं रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि आप लोग जरूर जो है वो इसको सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक पहुंचा दें, और उन्हें भी कहें कि इनको जो है वो सब्सक्राइब और शेयर कर दें। लास्ट में मैं बस एक चीज कहना चाहूंगा कि आप किस तरह के एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, और भविष्य में किस तरह के एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड बताइए। अगर मैं सक्षम रहूंगा तो जरूर आप लोगों को उस तरह के वीडियो भी अपलोड करूंगा। फिलहाल मैंने 3-4 तो ऑलरेडी बता दिया, इन सब तरह के जो मैं जरूर, आप लोग बताइएगा कि किस किस के स्टूडेंट हैं, कौन कौन सी चीज़ों के आप लोगों ने फॉर्म भरा है और किसकी तैयारी आप लोग कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, जिससे हमको भी प्रोत्साहन मिलेगा और उस तरह के वीडियो आप लोगों पर लगातार मैं अपलोड करूंगा। आज से मैं आपको एक एक सिलेबस के एक एक पॉइंट, वो भी NCERT SCERT से बेस्ड ऑन, मैं एक सिलेबस करवाने वाला हूँ, एक एक पॉइंट करवाऊंगा। ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्टिव ही, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिएगा, एग्जाम देने के बाद आइएगा तब मिला के देखिएगा कि मैं जितना चीज़ें अपडेट करूंगा, जितनी सिलेबसें दूंगा, वो कितना आपको बेनिफिट और कितना टच करता है आपके एग्जामिनेशन से। चलिए आज मैं इसी के साथ अपना वीडियो को समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर पुनः मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।